हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम ट्रेटेगो। अपनी लास्ट क्लास में हमने एलिमेंटर के एडवांस टैब में विजेट ट्रांसफॉर्म और उसके साथ बैकग्राउंड को देखा था। उसके साथ बॉर्डर था जो कि बिल्कुल सेम है। इससे आगे हम चलते हैं। मैं किसी भी विजेट का एडवांस टैब ओपन करता हूँ। इसके नीचे है मास्क। तो मास्क क्या होता है? मास्क बेसिकली हमारे किसी भी विजेट को या किसी भी सेक्शन या कॉलम को कोई खास शेप देने के लिए यूज होता है। इसमें तो आपको कोई खास शेप नजर आएगी नहीं, तो आपको ये चीज समझाने के लिए, ये वैसे तो किसी भी विजेट के साथ यूज हो सकता है, लेकिन आपको मैं फिलहाल एक्स को किसी इमेज के साथ यूज करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। तो मैं एक ईमेल ट्रैक करता हूं इधर। तो ये मैंने एक इमेज लगा रही इधर। अभी मैं इसके एडवांस टैब में जाता हूं। वैसे तो ये मास्क का जो फीचर है ये किसी भी विजेट या किसी भी कॉलम या किसी भी सेक्शन के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं इसको इस इमेज के साथ यूज करके दिखाऊंगा। अगर मैं इस मास्क को इधर से ऑन करता हूं तो ये देखें, इसकी जो शेप है ये सर्कल शेप बन गई है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इधर से शेप सेट है वो सर्कल पे सेट है। इधर से अगर मैं इसको चेंज करूं, इसमें देखें और भी शेप्स हैं। अगर मैं इसको फ्लावर कर दूं तो ये देखें इसकी शेप चेंज हो गई है। इसी तरह अगर मैं फ्लावर की जगह पे स्केच कर दूं तो ये इस तरह का बन गया है। इसी तरह ट्रायंगल कर दूं तो ये ट्रायंगल बन गया है। और ये सारी इसकी शेप्स हैं। इसके नीचे कस्टम है। कस्टम में होता है कि अगर आप अपनी कोई शेप अपलोड करना चाहें, लेकिन आप फिलहाल इसको ना करें। इसके नीचे है साइज। साइज से क्या होता है कि अभी देखें ये जो सर्कल है, जो हमारी शेप है, ये फिट हो रही है, मतलब कि पूरा सर्कल आ रहा है। अगर मैं इसको फिल कर दूं तो ये जो हमारा एरिया है इस इमेज के लिए, इसको ये फिल लाजमी करेगा, बेशक सर्कल कंप्लीट हो या ना हो। जैसे अगर मैं इसको फिल कर दूं तो ये देखें ये अपना जो एरिया है इधर तक, क्योंकि ये जो हमारा कॉलम है ये इधर तक है, ये अपना एरिया फिल कर रहा है और उसको भी एरिया फिल करना लाजमी है, बेशक वो कंप्लीट हो या ना हो। अभी देखें सर्कल हमारा कंप्लीट नहीं है लेकिन अपना एरिया फिल कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको फिट कर दूं तो ये सर्कल कंप्लीट लाजमी करेगा, बेशक एरिया फिल हो या ना हो। इस तरह नीचे कस्टम है। कस्टम में मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इसको रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल इतना रखता हूं। और इसके नीचे है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है कि ये जो हमारा सर्कल है ये किस पोजीशन पे हो उस इमेज पे। फॉर एग्जांपल अभी सेंटर सेंटर है, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली भी सेंटर और वर्टिकली भी सेंटर। अगर मैं इसको सेंटर लेफ्ट कर दूं तो ये देखें अभी ये सेंटर तो है, मतलब कि अगर इसको ऐसे देखा जाए वर्टिकली तो ये सेंटर है, लेकिन हॉरिजेंटली ये लेफ्ट पे है। इस तरह अगर मैं सेंटर राइट कर दूं तो ये इस साइड पे आ गया है। टॉप सेंटर कर दूं तो ये टॉप पे है वर्टिकली और सेंटर पे है हॉरिजेंटली। तो इस तरह ये जहां पे मर्जी रखना चाहूं वहां पे मैं रख सकता हूं। इसमें भी कस्टम का ऑप्शन है। कस्टम में मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ इसका वाई पोजीशन और एक्स पोजीशन। ये इसकी एक्स पोजीशन है, ये देखें, और ये इसकी वाई पोजीशन है। ठीक है, अब जैसे मर्जी रखना चाहें। इसके नीचे है रिपीट। तो रिपीट का आपको मैंने बताया था जब हम सेक्शन के बैकग्राउंड में देख रहे थे। रिपीट से होता क्या है कि रिपीट तब काम आता है जब हमारी इमेज का साइज बहुत कम है
और जो हमारा कॉलम, जो हमारा सेक्शन है, उसका साइज बहुत बड़ा है। तो बेसिकली होता ये है कि जो हमारी इमेजेस है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, बार 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 वही इमेज आती है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम रिपीट पे नो रिपीट कर देते हैं ताकि ये रिपीट ना हो, ठीक है। तो और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।